उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के बाद इस्तीफों का दौर जारी। मथुरादास जोशी ने कहा, चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुई सीधी बात, जुड़े लोगों को देना चाहिए इस्तीफा। उत्तराखंड में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण, 3.92 लाख बच्चों को मिलेगा कोरोना से सुरक्षा कवच। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में भेजे कॉर्बेक्स के टीके। विदेश पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से मिले प्रेमचंद अग्रवाल, कई मुद्दों पर की चर्चा, सीएम पद के लिए पेश की दावेदारी। देश के पहले सीडीएस को जयंती पर किया गया याद, सीडीएस रावत को याद कर भावुक हुए लोग, निशंक सहित कई राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पार्टी के सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने भी पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब पार्टी में उन सभी नेताओं से इस्तीफा देने की बात कही जा रही है जो चुनाव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है और अब ऐसे में अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जब प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने को कहा गया तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया। अब बाकी अन्य सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जो चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। कांग्रेस में जो अच्छे अच्छे लोग थे, या तो आप कांग्रेस में नहीं रहे हैं या कांग्रेस को छोड़ के अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी दलों में चले गए हैं, इसलिए कांग्रेस में जो परिवारवाद के जो वहां गांधी परिवार का जो वर्चस्व है उसके कारण कांग्रेस नेपथ्य में जा चुकी है और आगे और भी बुरे हाल कांग्रेस के होने वाले देश में, इसलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दूंगा और हाईकमान के इशारे की इंतजार थी और कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही पांचों राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया, तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। लेकिन हमारा मानना ये भी है साथ साथ कि अध्यक्ष जी का इस्तीफा आया है तो क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। हमारा मानना यह है कि सारे लोगों ने, जो भी लोग चुनाव से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े, मैं समझता हूं सबको त्यागपत्र देना चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस में जारी कलह के बीच हरीश रावत ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रसंग को मैं अपनी ओर से यहीं समाप्त करना चाहता हूं। एक बात साफ है कि कुछ ताकतें मुझको केवल मुस्लिम परस्त सिद्ध करना चाहती हैं और दूसरी बात ये भी सिद्ध है कि कुछ ताकतों को इस बार लगा कि कांग्रेस ने व्यू रचना की है। उत्तराखंड में चुनावी परिणाम में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेसी दिग्गज एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं टिकट बंटवारे और सीट पर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने में भारी झोल किए जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जबकि हाईकमान ने कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लिया है और प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरीश रावत भी हाईकमान से बार बार खुद को पार्टी से निष्कासित किए जाने की गुहार लगा रहे हैं। हरीश रावत पर लगाए आरोप और पार्टी से इस्तीफा देने के बयान के बाद अब हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटने लगा है। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कुछ लोग हरीश रावत पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। इस्तीफे की तो हरीश रावत जी तो एक कांग्रेस में ब्रांड है, उनके बिना तो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करना, मैं समझता हूँ उनको एक्साइड करके या उनको नेगलेक्ट करके तो नुकसान ही होगा पार्टी को। और अगर रावत जी ने इस्तीफा दिया है, इस तरह की कोई बात आई है, तो सामूहिक रूप से बहुत इस्तीफे दिए जाएंगे हरिद्वार से। और जहाँ तक मंथन होगा और कार्यकर्ताओं में जो है जोश के साथ दोबारा लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस एक ब्रांड है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, आज भी लोगों के अंदर बसती है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लालकुआं से पूर्व सीएम हरीश रावत को 17,000 वोटों से हराने के बाद बीजेपी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट लालकुआं विधानसभा के बिंदुखत्ता क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक डॉक्टर मोहन सिंह से खास बातचीत की। लालकुआं से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आर्य ने इस दौरान क्या कुछ कहा डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने, आप भी सुनिए। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं लालकुआ के बिंदुखत्ता क्षेत्र में। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में जिला पंचायत के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने लालकुआ विधानसभा से एक बड़े चेहरे को शिकस्त दी और 17,000 वोटों से जो है जीत हासिल की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिष्ट जी, बिंदुखत्ता पहुंचे हुए हैं, एक बहुत बड़े चेहरे को आपने जो है हराया, किस तरीके से देखते हैं अपनी जीत को? ये मेरी जीत नहीं है, ये इन सब युवाओं की जीत है, इन बुजुर्गों की जीत है, इन माताओं इन बहनों की जीत है। ये लालकुआ विधानसभा के हर गरीब की जीत है, ये लालकुआ विधानसभा के हर मजदूर की जीत है, ये लालकुआ विधानसभा के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसको ये लगता है कि हमारे बीच का व्यक्ति हमारी सेवा करेगा, हमारे बीच में रहेगा, जब चाहेंगे तब हम उसके पास जाएंगे। और जिसने लगातार निरंतर इतने वर्षों तक हमारे बीच में रह के हम लोगों की सेवा की, हमारा सहयोग किया है, ये उन सब लोगों की जीत है। ये केवल लालकुआ विधानसभा के लोगों ने, ये पूरे उत्तराखंड में ये संदेश दिया है कि निरंतर अगर आप किसी क्षेत्र में बने रहें, वहाँ के लोगों की सेवा करें, तो कितना बड़ा चेहरा हो चाहे कुछ भी हो, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। किन मुद्दों पर कार्य करेंगे, क्योंकि विकास के कई कार्य ऐसे हैं जो अधूरे हैं, डबल इंजन की सरकार में भी हैं, पूर्व में कांग्रेसी सरकार भी रही थी, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कार्य होना है, किस प्रकार कार्य करेंगे? हमारी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा यहाँ पर बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए गए हैं और ये इतिहास इन कार्यों के आधार पर ही ये पहली बार उत्तराखंड में मिथक टूटा है कि कोई सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो करके दिखाया है, एक नया इतिहास रचा है। दोबारा से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तो केवल इसलिए कि उसके द्वारा घर घर तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया गया है, मगर कुछ काम अधूरे रह गए हैं, कुछ अभी शुरू होने हैं, मैं उन सबको करूंगा। इसके साथ साथ जो मैं प्रथम पहले दिन से कहते आ रहा हूं, इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है, यहाँ के युवाओं को के हाथों को काम देना मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा इस क्षेत्र में जो नशे का चलन बढ़ रहा है उसके लिए मुझे काम करना है, नशे को का जो प्रचलन है उसको समाप्त यहाँ पर करना है। इसके साथ साथ बिंदुखत्ता राजस्व गांव से लेकर इस क्षेत्र में जंगली जानवर और हाथियों के आतंक से लेकर तमाम जो परेशानियाँ हैं उन सब के लिए मुझे काम करना है और सब लोगों के समर्थन से मैं इन सारे कामों को पूरा करूंगा, मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल ये भी रहेगा कि एक बड़ा चेहरा आपके सामने मैदान पे था और एग्जिट पोल की बात करें तो हरीश रावत के पक्ष में जाते हुए दिख रहा था, पूर्व से आप कितना आश्वस्त थे अपनी जीत के प्रति? देखिए, अगर आप अपना 29-30 तारीख का आप अपना मेरा अगर बयान कहीं पर देखेंगे तो मैंने उसी दिन कहा था जिस दिन उनको यहाँ से टिकट मिला था, हमने कहा अगर कोई स्थानीय व्यक्ति होता तो हमें चुनौती मिलती, लेकिन अब हम कम से कम 15,000 वोटों से इस सीट को जीतेंगे और वही हुआ। तो हम पहले दिन से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे क्योंकि इस क्षेत्र में मेरा लंबे समय से मेरा भी संपर्क है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में घर घर कार्यकर्ता है, घर घर पार्टी का संपर्क है और इस वजह से हमें पहले दिन से लग रहा था कि हम भारी अंतर से इस सीट को जीतेंगे। तो हमारे साथ मोहन सिंह बिष्ट जी थे जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि जो उनके द्वारा वादे किए गए हैं उन पर वो लगातार कार्य करेंगे और युवाओं के लिए जो रोजगार की बात उन्होंने कही है, युवाओं को रोजगार के लिए भी वो आश्वस्त रहेंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से धर्मेंद्र आर्या, लालकुआ। नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को नोटिस जारी कर उनसे 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यहां बता दें कि मदन कौशिक पर 2012 से 2017 तक के कार्यकाल में विधायक निधि से पुस्तकालय निर्माण में भारी गड़बड़ी करने का आरोप है। इस मामले में निर्माणादायी संस्था ग्रामीण अभियंत्र विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता को भी नोटिस जारी किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने रक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से अपने दिल्ली दौरे के दौरान शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार निर्वाचित होने और उत्तराखंड में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के लिए बधाई दी। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम पद के लिए भी दावेदारी पेश की है। उनका कहना है कि वो खुद को सीएम पद की रेस में आगे मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान का होगा, हाईकमान कई बिंदुओं पर विचार करता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है।
देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को आज याद किया गया। इस दौरान अपने हीरो को याद कर लोग भावुक हो गए। शहर में अलग अलग जगहों पर CDS विपिन रावत की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। दून विश्वविद्यालय में वीरभूमि फाउंडेशन की तरफ से CDS जनरल विपिन रावत की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर मेयर सुनील उनियाल, गामा और फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे। वहीं दून विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि CDS विपिन रावत जैसे योद्धा के चले जाने से देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ITBP के ADG मनोज रावत, ब्रिगेडियर शिवेंद्र सिंह, निदेशक DRDO डॉक्टर VK दास समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में 12 से 14 आयु वर्ग के 3.92 लाख बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव का सुरक्षा कवच मिलेगा। प्रदेश भर में इस आयु के बच्चों को टीकाकरण उनका कराना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को 4 लाख से अधिक कार्बेवैक्स टीके भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूलों, अस्पतालों में बच्चों को कार्बेवैक्स वैक्सीन के पहली डोज जो है वो लगाई जाएगी। इसके अलावा पहले से चल रहे टीकाकरण केंद्रों पर बच्चों के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। विभाग ने 3.92 लाख बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। खबर थराली से है, जहां पिंडर घाटी के बाजार और कस्बों में हर दिन भारी ट्रैफिक जाम से यहां जनता परेशान हो रही है। पुलिस प्रशासन के लिए भी दिन भर वाहनों की लंबी लंबी कतारें मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। बाजारों में ट्रैफिक जाम के कारण स्कूली बच्चे बहुत परेशान हैं। स्कूली छोटे बच्चे, महिलाएं और बीमार लोगों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। भारी जाम लगने से व्यापारियों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। ये जाम की स्थिति एक तो सबसे बड़े जाम की स्थिति तब पैदा हो रही है, एक तो ये बीआरओ के जो बड़े बड़े डंपर हैं, खनन के जो डंपर जा रहे हैं बीच रोड में, आप एकदम से बड़े डंपरों को खड़ा कर दे रहे हैं। आप यथा स्थिति को नहीं भाप रहे कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे से किस प्रकार की गाड़ियाँ चल रही है। और यहाँ पर जितने भी हमारे व्यापार संघ है, व्यापार संघ को भी बड़ी दिक्कतें होती है। जो राहगीरी यहाँ पर चल रहे हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है, स्कूल के बच्चे हैं उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। और मैं सभी वाहन, निजी वाहन जो चालक हैं या व्यापारी बंधु हैं जिसके अपने निजी वाहन हैं, उनसे मेरा अपील है कि आप भी अपने वाहनों को मोटर मार्ग से हट के अन्यत्र जगह लगाएं। यहाँ जाम में फंसे हैं, पुलिस वाले भी लगे हैं खोलने में, लेकिन ये बहुत ही कोई गाड़ी उल्टा सुलटा लगा दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत दिनों से जाम लग रहा है, कई बार प्रयास कर दिया, पुलिस वाले भी लगे हैं, वे भी परेशान हैं। और यहाँ पे जाम खुलने के नाम पे भी अभी भी देखो, आप आगे देख रहे होंगे बहुत बड़ा जाम लगा है। हम एक घंटे से यहाँ पे फंसे पड़े हैं। ये एक तो ये हो गया कि लोग गाड़ियाँ उल्टा सुलटा लगा दे रहे हैं, और जो ये डंपर है, एक तो रोड भी चौड़ी, यहाँ पे चौड़ीकरण भी नहीं है रोड का, मतलब रोड भी छोटी है, वाहनें ज़्यादा हो गई है, इस कारण भी जाम लग रहा है। दूसरा में क्या है कि एक गाड़ी जो है कि अगर मान पा एक डंपर वाला आता है तो वहाँ पर कम है, वो एक्चुअली वहाँ पर जाम लग जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में।
डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं चारे के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के शातिर ठगों की। खबर दरअसल चमोली से है, जहां चमोली पुलिस ने पतंजलि चारे के नाम पर देश भर में साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनकी गिरफ्तारी बिहार के नालंदा से की गई है। दरअसल मामला बीते अक्टूबर का बताया जा रहा है, जहां कुछ शातिर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक बहादुराबाद, हरिद्वार की शाखा के नाम पर भुगतान करवाया और गाय का चारा नहीं पहुंचाया। और जब मामले की शिकायत हुई तो पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में हैरान करने वाले ठगी के मामले सामने आए, जिसके बाद एक टीम नियुक्त की गई और बिहार में दबिश देकर ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि इन शातिरों ने कहां कहां किस किस के साथ ठगी की है। अक्टूबर माह में थाना गोविंद घाट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि पतंजलि की काउ फीड के नाम पर उनके द्वारा विभिन्न अकाउंट में जो है 60,000 के लगभग अमाउंट ट्रांसफ़र की गई और उसके बाद से उन लोगों से इनका कोई संपर्क नहीं रहा। तो 400BC का मुकदमा पंजीकृत हुआ और उसके बेसिस में हमारे द्वारा टीम गठित की गई। जो अकाउंट डिटेल्स मिले और जो नंबर्स थे उनके बेसिस पे हमने दो अभियुक्तों को बिहार से, पटना से गिरफ्तार किया गया है। और ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसी तरह से इन्होंने पतंजलि की काउ फीड के नाम पर झांसा देकर पैसे की उगाही की है। जो इसका मेन मास्टरमाइंड है वो अभी भी फरार है और अभी हमारी टीम लगी हुई है उसकी गिरफ्तारी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां सवाल खड़ा हो रहा है कि दो जगहों पर खनन कारोबारियों ने खेल कर दिया। आरोप है कि खनन कारोबारियों ने बिना अनुमति के मंदाकिनी नदी पर सड़क बना दी। इसके लिए उन्होंने बोल्डर और मिट्टी भरकर नदी के प्रवाह को भी रोक दिया। ये सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि खनन कारोबारियों की इस हरकत से मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रोके जाने से पर्यावरणविद भी खासा चिंतित हैं। पहले ही LNT जल विद्युत परियोजना की वजह से मंदाकिनी नदी सूख चुकी है और ऊपर से खनन कारोबारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ना ही वो NGT के नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही उसमें प्रशासन का खौफ है। ऐसे में जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तराखंड हिमालय की जो नदियां हैं
इनका पारिस्थितिकीय तंत्र बहुत सेंसिटिव है, इनमें विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं कि जो विलुप्त की कगार पे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केदार घाटी की जो हमारी सबसे पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो कि बाबा केदार से निकल कर आती है, पहले ही इसमें कई डैम बने हैं जो रन ऑफ हैं, जिसके कारण इस नदी का पारिस्थितिकीय तंत्र जो है गड़बड़ा गया है। और उसके बावजूद भी जो खनन माफिया हैं, ये इस नदी में रेत, बालू और पत्थरों के लिए जो अपने यंत्र हैं, जो अपने जेसीबी हैं, ये नदी में बीच नदी में लेके खनन कर रहे हैं, कि जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस पे जो सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु हैं, जो एक नदी में पाए जाते हैं, जो एक नदी के पानी को ठीक रखते हैं, बैंथॉस, जू बैंथॉस, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, एल्गी, सैवाल, ये सारे खत्म हो रहे हैं। ऐसी सूचनाएं जो है आचार संहिता से पहले ही जो है इस प्रकार का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनाया था अपनी पिछली पंचवर्षीय कार्यकाल का, तो उनका संबंध जो खनन माफियाओं के साथ लेकर चल रहा था। उस बात की प्रमाणिकता इस बात से हो गई है कि जैसे हमारे रुद्रप्रयाग जिले में भी आप देखिए खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, वो नदियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं, नदियों के बीचों बीच जो है नदी का रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं, NGT के मानकों का जो खुलेआम जो है उल्लंघन करने के लिए तैयार हैं, और प्रशासन का कोई नुमाइंदा उनकी तरफ नहीं देख रहा है। खनन माफियों के साथ जो है खनन विभाग की सांठगांठ, जिला प्रशासन की सांठगांठ एकदम लिप्त है, जिसके चलते बेरोक टोक वो जो है नदियों का सीना चीरने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, और सरकार में भी उनको संरक्षण देने वाले बैठे हैं, इसलिए उन्हें किसी कानून और नियम की परवाह न करते हुए जो है वो निरंतर देहरादून से बरेली जा रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस में लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में करीब 37 सवारियां बैठी हुई थी। डोईवाला कुतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक राज विक्रम पंवार ने बताया कि अमरोहा डिपो की बस देहरादून से बरेली जाने के लिए रवाना हुई थी। लच्छीवाला टोल बैरियर से थोड़ा आगे डोईवाला की ओर जाते हुए बस के इंजन ने आग पकड़ ली। चालक ने मौके पर समझदारी दिखाते हुए तत्काल बस रोककर सवारियों को नीचे उतरने के लिए कहा, जिसके बाद आनन-फानन में सभी सवारियां नीचे उतर गईं। इससे पहले कुछ समझ पाता कोई, इससे पहले ही बस धू धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड में रक्तदान और नेत्रदान के बाद अब शरीर दान करने की मुहिम भी परवान चढ़ने लगी है। लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के प्रयासों से कई जागरूक नागरिक अब मरने के बाद अपना शरीर मेडिकल इंस्टीट्यूट को दान देने का निर्णय ले चुके हैं, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में मृत शरीर पर मेडिकल के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर बीमारों की जान बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर सकें। बता दें कि ऋषिकेश के अशोक आर्य और उनकी पत्नी शशि आर्य के साथ राजेंद्र पंत और हरिद्वार के उत्तम सिंह ने मरने के बाद अपना शरीर जॉली ग्रांट स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट को दान करने का निर्णय लिया है। चार बॉडीज हमारे पास, उनका जो लेटर आए हैं, डोनेशन फॉर्म आया है, साथ में लॉयंस क्लब ऋषिकेश की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है इसमें। और लॉयंस क्लब समय समय पे अस्पताल के साथ मिलकर के अन्य क्षेत्रों में भी काम करता रहा, जिसमें आई डोनेशन है या ब्लड डोनेशन है। तो लॉयंस क्लब ने एक मुहिम चलाई है ऋषिकेश में कि जो लोग अपनी बॉडी को दान देना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए मेडिकल बच्चों के काम आ जाएंगी, क्योंकि मेडिकल बच्चों को, मेडिकल कॉलेज के बच्चे होते हैं, उनको सीखना होता है, पहले बॉडी के ऊपर ही सीखते हैं। तो एक बहुत सराहनीय कदम, मैं कहूँगा बहुत बहुत साधुवाद लॉयंस क्लब ऋषिकेश को। और निश्चित तौर पर इस तरह की जो एक मुहिम है, इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। मैंने एक्चुअली कई मेडिकल कॉलेजों में देखा, जो मेरे डॉक्टर लोग मित्र भी हैं, उनको ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि हमारे यहाँ बच्चों के, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं या सर्जन तो तैयार होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ बॉडियों की बहुत कमी है, जिसके कारण, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक अंत्येष्टि करना एक आवश्यक नियम है, जिसके कारण कि हमें बॉडियाँ उनको हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती। तो मेरा ये विचार है कि हम सभी अपने अपने शरीर का दान कर सकें, क्योंकि जल के तो वो वेस्ट हो जाती है। तो आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में, इसके रिसर्च के, अनुसंधान के क्षेत्र में, मुझे लगता है छात्र लोग अच्छा काम कर सकें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।